कई बार, चाहे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव सरपंच हो, चाहे वो पंच हो, चाहे यहाँ के लोग हो, इन्होंने काफ़ी टाइम यहाँ पे डीसी साहब को डेपुटेशन दी है। यहाँ के जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको कई बार यहाँ पे डेपुटेशन दी है कि यहाँ पे स्कूल के लिए स्पेशली आवर एट फुट ब्रिज दिया जाए और यहाँ पे और भी एरियाज है उनके लिए भी कम से कम कहीं ना कहीं फुट ब्रिज होने चाहिए। पहले बोलता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की है, उसके बाद कंपनी की है, क्योंकि कंपनी की मस्ती तब होगी जब एडमिनिस्ट्रेशन की डील होती है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला फ्लाईओवर के लिए, लोगों ने डिमांड की, यहाँ डीसी साहब, पिछले डीसी साहब भी आए, नए भी आए, उन्होंने बोला यहाँ फ्लाईओवर बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे, जब बच्चे मरेंगे, छोटे बड़े लोग मरेंगे तब। ये चंद्रकोट है, यहाँ 4 लाइन सेंटर से जा रहा है, आधी दुनिया ऊपर है आधी नीचे, स्कूल के बच्चे हैं 700-800, जब तक लोग छोटे बड़े बच्चे मरेंगे नहीं तब तक फ्लाईओवर स्टार्ट नहीं होगा क्या? ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए सर। ये तो हमें वही लग रहा है कि जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करेगी, फ्लाईओवर का काम होगा ही नहीं जब तक कोई मरे ना। गलती तो सारी पहले एडमिनिस्ट्रेशन की है फिर कंपनी की है। एक्सीडेंट हुआ, हमें फ्लाईओवर चाहिए, जब हम मर जाएंगे तब हमें फ्लाईओवर देंगे, अभी हमें फ्लाईओवर चाहिए, अब हमें भी बहुत जस्टिस। आपको ये रोड क्रॉस हाईवे क्रॉस करके जाना पड़ता है? हाँ, हमें हाईवे क्रॉस, आज छोटा सा बच्चा उसका एक्सीडेंट हो गया, कल सबका हो जाएगा, फिर हमें फ्लाईओवर। जब ये 4-वे यहाँ पे बना उसके बाद कितनी दिक्कत हो रही है आपको? बहुत ज्यादा, बसें भी और बसेस भी नहीं चल रही, इतना ट्रैफिक हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भी आज। तो कितनी स्ट्रेंथ है आपके स्कूल की? कितने बच्चे हैं? 500+। तो क्या कहेंगे आप, आपने ये प्रोटेस्ट क्यों किया आज? हमें फ्लाई ओवर चाहिए, यहाँ बच्चों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कल सब के हो जाएंगे, फिर हमें फ्लाई ओवर देंगे, फिर स्कूल भी कोई भी नहीं आएगा, बंद हो जाएगा हमारा स्कूल। मैं ये कहूँगा कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज पैरामाउंट कंसर्न ऑफ द चाइल्ड। गवर्नमेंट विद्यालयों के लिए ये कहती है कि बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आपको अलग 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 प्रकार के NOCs लेने होंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट अपने बच्चों को या किसी भी पब्लिक को सेफ्टी प्रोवाइड करनी हो, वहाँ गवर्नमेंट का जो रवैया है दैट इज कंडेमेबल। गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि कोई भी राहगीर जब भी नेशनल हाईवे के ऊपर चले उसके लिए फुटपाथ होना चाहिए, बच्चों के लिए ओवरहेड फुट ब्रिज होना चाहिए, अंडर जो यहाँ पर पास बना हुआ है इसको गवर्नमेंट को थॉरो करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्लोप है यहाँ पर गाड़ी की गति जो है ऑटोमेटिकली 120 करीब हो जाती है।